सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं वड्डी खबर तो। 1 जुलाई तो 600 यूनिट मुफ्त बिजली संबंधी PSPCL ने सर्कुलर जारी कर दिता है, जिस तो कई दुविधावां साफ हुई ने। वेखो ये रिपोर्ट। PSPCL दे वलों जारी सर्कुलर ने 600 यूनिट मुफ्त बिजली दे ऐलान ते कई दुविधावां दूर कर दित्तियां ने, जिस तो यह साफ होया कि पिछली चन्नी सरकार वेले 3 रुपए हिसाब दे नाल मिलन वाली बिजली दा रेट उसी तरह जारी रहेगा, यानी सबसिडी मिलेगी। 600 यूनिट माफ होने ते तस्वीर साफ हुई है। जनरल कैटेगरी नू 600 यूनिट ज्यादा होने ते पूरा बिल अदा करना होगा। एक मिसाल दे वजो 600 यूनिट ते 0 बिल आएगा, पर जेकर 750 यूनिट खपत किए जाते ने तो 750 यूनिट का ही पूरा बिल अदा करना होगा। 7 किलोवाट तक 3 रुपए प्रति यूनिट हिसाब दे नाल सबसिडी जारी रहेगी। उथे ही जेकर SC BC BPL ते फ्रीडम फाइटर परिवार ने ता उन्हां नू 600 तो उत्ते ज्यादा यूनिटा होने ते सिर्फ 600 तो उत्ते ही यूनिटा दा बिल अदा करना होगा। मिसाल दे वजो जेकर 600 यूनिट तक खपत हुंदी है ता 0 बिल आवेगा, पर जेकर 750 यूनिट खपत की जाती है ता 600 तो उत्ते यानी कि सिर्फ 150 यूनिटा दा बिल ही अदा करना होगा। इस तो इलावा आमदन बारे घोषणा पत्र देना जरूरी है। इस नूं विस्तार दे नाल समझदे आं कि आखिरकार किस तरह दे नाल घोषणा पत्र देना जरूरी होगा। SC BC BPL लई घोषणा पत्र जरूरी है ता सहूलत किहड़े परिवारां नूं मिलेगी। आमदन दा ब्यौरा देना होगा। परिवार दा कोई मैंबर करदाता ना होवे, परिवार दा कोई मैंबर संविधानिक अहुदे ते ना होवे, परिवार दा कोई मैंबर सरकारी मुलाजम ना होवे, परिवार दा कोई मैंबर डॉक्टर इंजीनियर जां वकील ना होवे। डेस्क तो ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 पंजाब। उधर अकाली दल ने मुफ्त बिजली दे सर्कुलर ते सवाल चुके ने। पंजाब सरकार दा पंजाबियां दे नाल इक होर धोखा इस नूं करार दिता है। शर्तां दे नाल 80% खपतकार वांझे रह जाणगे, श्रोमणी अकाली दल दा कहना है। उन्होंने कहा कि PSPCL ने बिजली स्कीम च शर्तां लगाईयां ने। सीएम भगवंत मान ने 51 लाख घरेलू खपतकारां नूं लाभ देण दा ऐलान कीता सी, लेकिन अकाली दल ने जो PSPCL दे वल्लों जो सर्कुलर जारी किया गया है, जो शर्तां जारी कीतियां गईयां ने, जो घोषणा पत्र आमदन नूं लैके देना होएगा उस नूं लैके सवाल चुके ने। कहा है कि शर्तां दे नाल 80% खपतकार वांझे रह जाणगे। अकाली दल ने इस नूं पंजाब सरकार दा पंजाबियां नाल इक होर धोखा करार दिता है। उधर आजादी दिहाड़े की 75वीं वरेगंढ से पंजाब नूं 75 मोहल्ला क्लीनिक समर्पित किए जा रहे हैं, जिन्हां चों मोहाली के मोहल्ला क्लीनिक का दौरा करन सीएम भगवंत मान अचनचेत पहुंचे। किस तरह लोगों लई काम करनगे मोहल्ला क्लीनिक, वेखो रिपोर्ट। पंजाब च 15 अगस्त तो 75 मोहल्ला क्लीनिक जिहड़े ने उह खुल्लण जा रहे ने, और मोहल्ला क्लीनिक के जरिए पंजाब सरकार का यह दावा है कि सस्ती ते मुफ्त इलाज जिहड़ा वा आम लोगों का हो सकेगा। महंगे सेहत इलाज तो राहत दवाउण दे उद्देश दे नाल पंजाब दे विच मोहल्ला क्लीनिक खोलण दा सरकार ने ऐलान कीता। पहले पड़ाव दे विच 15 अगस्त नूं 75 मोहल्ला क्लीनिक समर्पित होणगे, जिस दी पहली दिख सामने आ गई है। तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि 15 अगस्त तो जिहड़े मोहल्ला क्लीनिक खोलने ने, किस तरीके की अंदरों तस्वीर होएगी, किस तरीके की बाहरों तस्वीर होएगी, किस तरीके नाल इलाज लोगों का हो सकेगा। 3 रूम जिहड़े ने रखे ने, एक डाक्टरां दे लई रूम जिहड़ा वा ओह रख्या, दूसरा रूम मैं दिखाना चाहूंगा सैंपल रूम। अगर किसी का ब्लड टेस्ट होना है या शुगर टेस्ट होनी है या कुछ किसी भी तरीके का बॉडी चैकअप होना है तो यह सैंपल रूम जिहड़ा वा दूसरा रूम रखा गया। सैंपल रूम के बिल्कुल नाल है फार्मेसिस्ट रूम जिहड़ा, और इत्थे दवाइयां जिहड़ियां ने मिल सकनगियां। हुण सवाल आउंदा है कि किहड़ा किहड़ा इलाज मोहल्ला क्लीनिक च हो सकेगा, आओ जानदे आं। मोहल्ला क्लीनिक च सुविधावां, मोहल्ला क्लीनिक च दवाइयां होणगियां मुफ्त, 100 दे करीब ब्लड टेस्ट दी सुविधा, 41 पैकेजां दे विच कुल 100 दे करीब टेस्ट, खंघ जुखाम बुखार आदि दीआं दवाइयां दी सहूलत, BP ते शुगर आदि बीमारियां दे टेस्ट वी मुहैया, ज्यादा गंभीर बीमारी होने ते कीता जाएगा रेफर। जिथे भी दाखले की लोड़ नहीं ते MBBS डॉक्टर दे लेवल दा डायग्नोसिस बन सकता है, वो सारे इलाज होंगे।
ਮਾਮੂਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬੁਖਾਰ, ਬੁਖਾਰ ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਖਰੀਦ ਹੈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ OPD ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 41 ਪੈਕੇਜਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੇਨ CBC, LFT, RFT, ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਆ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 41 ਟੈਸਟ ਬਣੇ। ਇਸ ਦਾ ਟੈਸਟ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਚਾ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਸਟਾਫ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਹੋਣਗੇ 5 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ MBBS ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹੈਲਪਰ ਤੇ ਇੱਕ PN ਟਾਈਪ, 4 ਸਟੈਂਥ ਹੋਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।